यह है माइनक्राफ्ट में हमारा पहला दिन। तो मैं अभी फिलहाल बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ जिससे मैं एक घर बना सकूं। अब लकड़ी को काटना बंद करते हैं भाई, मेरे पास जितने भी सामान है उससे मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ जिससे कि मैं आराम से बेड बना सकूं। एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया मैंने, अभी थोड़े बहुत स्टिक बना लेता हूं और थोड़े बहुत लकड़ी को छील लेता हूं। फिलहाल अभी चलते हैं वूल ढूंढते हैं, क्योंकि वूल के बिना हम लोग बेड बना ही नहीं सकते। अगर रात के होने से पहले हम लोग बेड नहीं बनाते ना तो भाई मॉन्स्टर तो बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है। अबे ये क्या, हमारे सामने तो विलेज है भाई, वहाँ से हम लोग बेड आसानी से चोरी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर विलेजर्स रहते हैं। आपको भी पता होगा अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो। फिलहाल हम लोग आ चुका है गांव, मतलब विलेज में, गांव बोलते हैं उसको, इसमें चेक करते हैं। हाँ यहाँ पर एक बेड है, इसको तोड़ लेते हैं। टूट गया, यहाँ से लाइट भी लेता हूँ ताकि रात को हमारा काम आए। अगर हम लोग घर बनाते हैं ना तो वहाँ पर लगाएंगे भाई। दरवाजा बंद करता हूँ, यहाँ से एक लाइट तोड़ दिया मैंने। फिलहाल ऊपर चलते हैं और देखते हैं उनके घर में कुछ है या फिर नहीं। खुलते, अबे इसके घर में तो कुछ नहीं है भाई, ये तो खाली पड़ा हुआ है। कुछ काम वाम है, मतलब कुछ घर रहता भी है इनके पास या फिर नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर किसी के घर में कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे घर हैं। तो यहाँ से निकलते हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, अब मेरे पास बेड भी है तो मैं एक घर बना लेता हूँ, छोटा सा, जितना हो सके उतना बना लेते हैं आज के लिए बस। थोड़ा बहुत 3 ब्लॉक, यहाँ पर 4 ब्लॉक लग गया, यहाँ से लगा देते 2-3 ब्लॉक। चलो ये ठीक है, अब इस साइड से लगाते हैं 1-2-3। अबे ये गलती से लग गया भाई, ऐसे ही होता है मोबाइल पे ना, कहीं पे भी क्लिक लग जाता है। फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल से काटने के लिए बना लेते हैं औजार, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं भाई लेकिन अभी नाम याद नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। मैंने तो एक दरवाजा भी बना लिया, अब फिलहाल इनको आराम से काट लेते हैं। अबे तेरी भैंस की, कट गया भाई, इसको भी काट लेते, ये भी गलती से लग गया था। मेरे ख्याल से चाहे छोटा ही क्यों ना बने भाई, थोड़ा लुक में बेटर होना चाहिए ना। तो यहाँ से लगाते, यहाँ पर एक साइड में लगा देते हैं और फिर उस साइड में लगाते एक। चलो लग गया, अब सामने से देखते हैं कैसे लग रहा है। अब यहाँ पर डोर लगा देते हैं। चलो ये हमारा हो गया ठिकाना, यहाँ बेस बन गया। अब यहाँ पर ऊपर से लगाना है और छत बनाना है। फिलहाल मेरे पास लकड़ी खत्म हो गया तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे लकड़ी मिलेगा। भाई यहाँ पर तो पहाड़ में बहुत सारे मस्त पेड़ है भाई, इनसे लकड़ी तोड़ कर अगर घर बनाएंगे तो घर भी मस्त बनेगा। तो फिलहाल इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ से बहुत सारी लकड़ी कलेक्ट करके लेके चलते हैं ताकि लकड़ी की कमी हमें हो ही ना। फिलहाल यहाँ से मैंने बहुत सारे लकड़ी कलेक्ट कर लिया, अब घर की ओर जा रहा हूँ और शाम भी हो चुका है इसलिए जल्दी से जाकर घर बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये मॉब्स भाई हम लोग को बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, एक दोनों भाई सब लोग मारेंगे, इसलिए जल्दी से घर बनाना ज़रूरी है। फिलहाल मैं जो वुड लाया था उससे मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ, जितने चाहे उतने, मतलब जितने मेरे पास बन सकते हैं मैं उतने बना लेता हूँ ताकि कमी ना हो भाई। फिलहाल लगाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया, दिख रहा होगा आपको साइड में। जल्दी से मैं लगा के कंप्लीट करता हूँ घर को। भाई साइड में क्या है, अबे एक टाइम के लिए मुझे लगा भाई यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुका है, मॉन्स्टर मतलब मॉब्स। यहाँ से भी लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से। अबे वहाँ पर भाई दूर में दिख रहा है बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे, स्पॉन होना चालू हो गए सारे, घोड़े भी है बाहर, वहाँ पर क्रीपर वगैरह सब लोग घूम रहे। जल्दी जल्दी से लगाता हूँ भाई, आलतू फालतू लग जाता है ब्लॉक्स, इसलिए देख के लगाना पड़ेगा। यहाँ से लगाते हैं, जल्दी से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब स्केलेटन मार रहा है भाई, मेरे को ना लग जाए, बट लग गया भाई, लगने की बात क्या कर रहा था। नीचे उतर के जितना बना सकते हैं नीचे उतर के उतना बना लेते हैं भाई। यहाँ पे एक लगना है, साइड में चलते हैं, लग गया। लाल थोड़े बहुत मैं वो ना क्या बोलते हैं इसको, स्लैब्स बना लेता हूँ ताकि रूफ बना, मतलब छत बना सकूँ भाई अपना। जल्दी से मैं स्लैब्स लगा देता हूँ और फिर बेड लगा के सो जाएंगे, द नेक्स्ट डे हो जाएगा हम लोग का। स्लैब्स लगाना कंप्लीट नहीं हुआ, इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से, ये खिड़की टाइप है, बंद कर देते इसको। अब फिलहाल लाइट लगा देते जो हमने चुरा के लाया था। अब बेड भी लगाते हैं और लग गया भाई। अब हम लोग का रात बहुत अच्छे से बीत गया। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हम लोग का सेकंड डे है माइनक्राफ्ट में। अबे सामने क्रीपर खड़ा है भाई, अभी ये फूटने वाला था, मेरा घर तोड़ने वाला था साला, फिर से मौका है। फिलहाल मैंने सोचा मेरे को खेती करना है क्योंकि मैं सीरीज चला रहा हूँ गाइस, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं खेती करूँगा, बहुत सारे जानवरों को पालूंगा और बहुत कुछ करना बाकी है, तो इसलिए मैं थोड़े बहुत प्लैंक्स यहाँ पर, मतलब प्लैंक्स से फेंसेस बना लिया जो मेरे पास था। सो दोस्तों अभी मेरे पास फेंसेस खत्म हो चुके हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी केव में जा रहा हूँ ताकि अब वहाँ से आयरन माइन करके लाऊं और उससे बकेट बनाऊं। बकेट बनाने के बाद पानी भर के लाऊंगा, उससे फिर मैं खेती करूँगा। तो सबसे पहले मुझे आयरन कलेक्ट करने के लिए स्टोन के पिकैक्स बनाने पड़ेंगे या स्टोन के टूल्स बनाने पड़ेंगे भाई, तो इसलिए बहुत सारे स्टोन यहाँ से मैं माइन कर लेता हूँ, बाद टूल बना लेंगे। तो फिलहाल मैंने बहुत सारे स्टोन यहाँ से कलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से निकलते हैं, अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है और ऊपर से रात भी होने वाला है। जब मैं स्टोन माइन कर रहा था तो मुझे पता चला कि भाई अगर सीडी नहीं होगा तो हम लोग खेती कैसे कर सकते। मैंने सोचा बहुत सारे सीड कलेक्ट करते हैं क्योंकि आयरन ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए, और ये जो सीड है वो हम लोग को मिलेगा इन पौधों से, जंगली पौधों से, तो इसलिए इन पौधों से हम लोग सीड ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कितना कलेक्ट कर पाते हैं। भाई फिलहाल मिल तो नहीं रहा है एक भी सीड, तो सीड्स तो मुझे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा घर में जाके टूल्स ही बना लेता हूँ स्टोन के।
सो फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल पे चलते हैं और स्टोन के टूल्स बनाते हैं। और टूल के बाद मुझे चेस्ट भी चाहिए जिसपे मैं सामान रख सकूँ, चेस्ट लगाते हैं और इस पर अपने जितने भी फालतू सामान है भाई, जिसपे जिस जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको वहाँ पर यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि ये लकड़ी के टूल्स हो गए और फिलहाल स्टोन के टूल्स मैं अपने पास ही रखूँगा। जितने भी फालतू सामान थे मैंने इस बॉक्स में रख दिया। अब यहाँ पर रात भी हो चुका है तो अभी सो जाते हैं। सो क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं इसलिए हम लोग को सोने नहीं दे रहा भाई बेड पे। तो फाइनली भाई हम लोग सो गए। ये हम लोग का नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी से चलते हैं बाहर। अब देखते हैं क्या करना है हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमारे आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर लिया जाए ताकि हम लोग को भी तो पता चले कि हमारे आसपास है क्या आखिरकार, और माइंड भी ढूंढ लेंगे इसी बहाने। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ के खूबसूरत पहाड़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल घूमते घूमते मैं पहुँच चुका हूँ अभी पहाड़ की चोटी पर, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे बर्फ मिल गए हैं। देखते हैं अब इस बर्फ के अंदर हम लोग को क्या मिलता है। यहाँ पर तो आइस भालू है, जो बर्फीले इलाके का भालू रहता है वो है। बर्फ के अलावा यहाँ तो कुछ और है ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब नीचे चला जाए, पहाड़ से उतरा जाए। फिलहाल नीचे मेरे को अलग सा बायोम दिख रहा है भाई, जहाँ पर हम लोग को अच्छा सा जंगल है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग को एक बहुत सुंदर सा जंगल भी मिल चुका है, क्योंकि मेरे को पिंक कलर के प्लांट्स जो है बहुत अच्छे नहीं लगे इसलिए मैंने यहाँ से बहुत सारे लकड़ी भी कलेक्ट कर लिया। तो फिलहाल इतना ज़्यादा घूम फिर के मैं वापस से अपने घर की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फार्मिंग भी करना है और बहुत सारे चीज़ें भी करने हैं भाई। सो आने वाले वीडियोस में मैंने सोचा बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाऊँ जो कि हमारे रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी तो मैं अपने घर की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे अपना घर भी दिखने लग गया है। वो देखो मेरा घर, यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी घूमते रहते हैं तो मेरे को जानवर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा भाई। खेती करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए सीड, इसलिए मैं बहुत सारे सीड ढूंढने में लगा रहा। यहाँ पर मुझे 2 सीड मिल भी गए और इसी काम को मैं बहुत टाइम तक करता रहा। और यहाँ से मुझे बहुत सारे सीड भी मिले लेकिन इतने काफी नहीं थे इसलिए मैं और भी ज्यादा सीड ढूंढने में लगा रहा। मैंने सोचा इतने सीड से तो हम लोग का काम हो जाना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग करने के बाद हम लोग को सीड भी मिलता है। तो अब मैं इन सीड्स को रखने के लिए घर में आ चुका हूँ। फिलहाल इस बॉक्स में जितने भी सीड्स हैं मेरे पास, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ रख देता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल से कुछ पिकैक्स बना लिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं आयरन ढूंढने के लिए भाई, क्योंकि आयरन से हम लोग बकेट बनाएंगे और बकेट से ही हम लोग पानी हमारे घर तक ला सकते हैं। तो मैं अपने घर के सामने वाले केव में आ चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पर हम लोग को कुछ मिलेगा या फिर नहीं। सामने चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। फिलहाल कुछ तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कोल दिख गया भाई, कोल ही ले लेते हैं। कोल भी बहुत काम का है हमारे लिए। जितने कोल मिल रहे हैं सब कुछ ले लेते हैं भाई, क्योंकि हम लोग को अभी कोल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फिलहाल मुझे लग रहा है कि रात हो चुका है तो यहाँ से हम लोग को जाना चाहिए। जल्दी से हम लोग घर चलते हैं नहीं तो मॉब्स के हाथों मारे जाएंगे भाई। फिलहाल यहाँ से एक मड लगा देते हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। चढ़ते हैं जल्दी जल्दी, अब घर की ओर निकलते हैं। सो फिलहाल घर तो हम लोग को यहाँ से ही दिख रहा है तो जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। अभी तक मॉब्स तो हम लोग को नहीं दिख रहा है एक भी, इसलिए जल्दी से चलते हैं। अबे साइड में भाई 3 मॉब्स आ रहे हैं एक की जगह 3। जल्दी से बंद कर दे दरवाज़ा जैसे मैंने बोला। सोने दे भाई, सोने दे। हाँ चलो ठीक है, सोना हो, नींद आ गया। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे हो चुका है तो आज के दिन मैं फिर से जाने वाला हूँ आयरन माइन करने के लिए, ताकि हमारे फार्मिंग का काम आगे बढ़ सके भाई। लाल मैं तो अपने पास वाले केव में आ चुका हूँ, यहाँ से कूद गया, थोड़ा सा लग भी गया था मेरे को इसलिए रोटन फ्लैश जो भी हमारे पास खा लेते। अब पेट पूजा हो गया, काम दूजा करते हैं भाई। फिर से गिर गया भाई, चोट भी लगता है यार, मेरे पास तो आर्मर है ही नहीं। यहाँ पर केव है या फिर क्या है। फिलहाल यहाँ से स्टोन कलेक्ट करते हैं, देखते हैं केव। अभी ये तो केव ही नहीं है भाई, यहाँ पर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो केव नहीं है अच्छे से। जितने भी स्टोन हमने माइन किया तो अच्छी बात है, ये केव नहीं है, यह बंद एक वो है गड्ढा सा था। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, खोद के देखते हैं थोड़ा बहुत अगर मिल जाए कहीं से हम लोग को केव। लेकिन स्टोन तो हम लोग को मिल ही रहा है भाई, मैंने बहुत सारा माइनिंग कर लिया स्टोन का लेकिन हम लोग को केव नहीं मिला इसलिए मैं फिर से वापस जा रहा हूँ। अबे कोल है भाई यहाँ पर तो कोल है, जल्दी से स्टोन लगा के उसके पास पहुँचते हैं। यहाँ से तो कोल हम लोग नेक्स्ट टाइम लेके गए थे, तब भी यहाँ पर बहुत सारा कोल शायद रह गया होगा भाई। बिना देरी किए जितना भी मिल रहा है हम लोग को सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, मिल रहा है फ्री में तो क्यों छोड़े भाई। कुछ ज़्यादा ही कोल लग रहा है यहाँ पर, कब से खोद रहा हूँ भाई तब भी ख़त्म नहीं हो रहा। चलो फाइनली ख़त्म हुआ, जितना भी कोल पड़ा है सब कुछ इकट्ठा करते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ जाते जाते इस गड्ढे को मैं बंद ही कर दूँ, ताकि हमारे आसपास का एरिया जो दिखने में भी अच्छा लगे। यहाँ से जल्दी से बहुत ज़्यादा मड जो है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि इस गड्ढे को हम लोग बंद कर सकें। जितना भी मड कलेक्ट हुआ उसको लगा इस गड्ढे को बंद करते करते भाई शाम हो चुका है, अभी थोड़ी देर बाद रात भी हो जाएगा। जल्दी से बंद करते हैं और घर के लिए निकलते हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा बचा है। फाइनली ये कम्प्लीट हो चुका है, सुना हो हम लोग अभी घर के लिए निकलते हैं भाई। सो आज का दिन तो जैसा तैसा रहा, लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को आसपास कहीं और केव मिलता है या फिर नहीं।
फिलहाल घर पे आ चुके हैं और सो जाते हैं, मॉन्स्टर भी नहीं है, आराम से नींद लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे हो चुका है हम लोग का, अब चलते हैं हम यहाँ से माइन ढूंढने के लिए। बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा निकलने के बाद मुझे ये अलग सा बायोम देखने को मिला। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो सामने पम्पकिन है भाई, सब कुछ कलेक्ट करके लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। इतना ज्यादा पम्पकिन था कि कलेक्ट करते करते शाम हो चुका है। हम लोग अपने विलेज के करीब पहुंच गए और यहाँ से हम लोग का घर भी दिख रहा है। अभी मेरे पीछे क्रीपर पड़ा हुआ है भाई, जल्दी से भागना पड़ेगा, ये हमारे घर को भी फोड़ सकता है। जो कोई बात ना, डरने की कोई बात नहीं, क्रीपर से बच गए। प्लस सोते हैं, अभी मॉन्स्टर है भाई सामने, सोने, हाँ चलो सोने दे दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नई सुबह हो चुका है। तो जितने भी पम्पकिन हमने लाए थे उन सभी का मैंने सीड बना लिया, इसको रख देते हैं बॉक्स में, ये हमारे फार्मिंग करने का काम भी आएगा। और सारे सामान को हम लोग अपने समेट कर रख देते हैं भाई, रास्ता बना देते हैं हमारे घर का, अभी क्या करते हैं। चलो जल्दी से रास्ता बना देता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ। सो गाइस, मेरा शेवल अभी टूट गया था इसलिए मैं केव के लिए निकल गया स्वॉर्ड लेके ही। यहाँ पर मेरे को केव भी दिखा भाई, यहाँ पर अबे ये तो बहुत बड़ा केव है, लाइट भी लगा था भाई पहले से, बहुत ज़्यादा बड़ा केव है भाई धरती के नीचे, वहाँ पर तो रोशनी भी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा केव मिल गया भाई, बस यहाँ से हम लोग को आयरन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा है, इनसे बचने के लिए क्या करें, थोड़ा नीचे कूद गया। अबे तेरी भाई, मेरा पूरा सारा सामान ख़त्म हो गया, मॉन्स्टर ने मार दिया साली, तो उसकी भैंस की टांग। अब क्या कर सकते हैं भाई, उस केव में नहीं जाना मेरे को, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो मरना तो तय है भाई, इसलिए वहाँ से कुछ ला नहीं सकते चाहे कलेक्ट कर ले या ना। यहाँ पर तो सीड पड़ा है, ले लेते हैं, दो सीड हम लोग को आते थे मिल गया। यहाँ पर एक और केव है, जाए क्या इसके अंदर, चलो चलते हैं भाई। ऊपर तो हम लोग को आयरन मिल गया भाई, जिसके लिए हम लोग आए थे वो हम लोग को मिल गया। अभी मुझे थोड़े बहुत स्टोन चाहिए ताकि मैं आयरन तक अच्छे से पहुँच पाऊँ और जितने भी आयरन है सब कुछ कलेक्ट कर पाऊँ। यहाँ से कुछ स्टोन माइन कर लेते हैं, तो लगाते हैं भाई स्टोन और आयरन के पास चलते हैं, ताकि सारे आयरन जो दिख रहे हैं ना आपके सामने, मेरे सामने, वो कलेक्ट कर सकते भाई। जल्दी से मैं इन आयरन को कलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आयरन थे सब कुछ मैंने कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करते करते शाम भी हो चुका है इसलिए अभी घर के लिए निकलते हैं। शायद इतना आयरन हमारे बकेट बनाने के लिए काफ़ी होगा, ताकि हम लोग फार्मिंग का काम अपना आगे कंटिन्यू कर सके भाई। जाते जाते हम लोग घास फूस को तोड़ते जाते हैं, ताकि हम लोग को अगर कुछ सीड मिल जाए तो फार्मिंग में मददगार होगा। सामने विलेज तो नज़र आ रहा है, तो घर भी सामने ही होगा। आज तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए, कोई बात ना। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। अबे स्केलेटन, तेरी भैंस की टांग साले क्यों मार रहा है। सो नेक्स्ट डे हो चुका है, अब आयरन को हम लोग डाल देते हैं फर्नेस में। पर फ्यूल हमारे यहाँ पर होगा भाई, एक ही कोल है, देखते हैं एक कोल से कितना हो पाता है। फिलहाल मैं तो चलता हूँ कोल माइन करने के लिए केव में। आज का मौसम तो बड़ा ही सुहाना है, बस इस बात की देरी है कि कब हम लोग फार्मिंग करेंगे। जल्दी से चलते हैं केव में। तो हम लोग केव में आ चुका है और आते ही हम लोग को कोल दिख गया भाई, इस कोल को ले लेते हैं। यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कोल नहीं है, शायद दो तीन है, हाँ चार कोल है यहाँ पर, नहीं नहीं पांच है भाई, इसको भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, पांच नहीं भाई छः है। यहाँ पर छः कोल तो हम लोग को मिल चुका है, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना केव के अंदर जाए और कुछ ढूंढा जाए। यहाँ पर तो मॉन्स्टर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से निकलने का प्लान बना रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। सुनाओ, अब मैं केव से बाहर निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ अपने घर की ओर कोल लेकर। वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि एक कोल से कितना आयरन बना। तो जल्दी से अपने घर की तरफ चलते। अब चेक करते हैं कि एक कोल से कितने आयरन बने हैं। एक कोल से छह आयरन बना है भाई। फिलहाल इस आयरन को अपने इन्वेंटरी में डालते हैं और उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल पर चलते हैं। यहाँ से हम लोग दो बकेट्स बना लेते हैं, अभी रात हो चुका है इसलिए सो जाते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट डे। आज हमारे पास सारे सामान है खेती करने के लिए। यहाँ से हम हो ले लेते हैं जिससे हम खेत बनाएंगे। तो फिलहाल घर से बाहर निकलते हैं और खेत बनाने के लिए चलते हैं। दरवाजा बंद कर देता हूँ और घर के इस साइड में हम लोग खेती करेंगे। तो यहाँ पर मैं खेत बना देता हूँ, थोड़े बहुत खेत बना दिया। तो इस पानी के बिना ये थोड़ा अजीब हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ वाटर बकेट लेकर पानी भरने के लिए। तो शायद नदी इस तरफ है, नदी या फिर समुद्र बोल सकते हो, इस तरफ है, हाँ यहाँ पर है मेरे सामने। तो यहाँ से हम लोग पानी भर लेते हैं दो बकेट्स।
तो देखते हैं इन्वर्टर में कलेक्ट हुआ कि नहीं। हाँ कलेक्ट हो चुका है, अब इन पानी को लेकर चलते हैं। सो फिलहाल मैं पानी लेकर दो बकेट्स आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं दो बकेट्स पानी से इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लेता हूँ ताकि पानी की कभी हम लोग को कभी ना हो। इसके लिए चार ब्लॉक खोदना पड़ता है, चार ब्लॉक्स का गड्ढा, फिर दोनों दो कॉर्नर से हम लोग को वाटर डालना पड़ता है लाइक इस तरीके से, फिर इनफाइनाइट वाटर सोर्स बन जाता है। आप जितना पानी चाहे उतना पानी इससे ले सकते हो और पानी हमेशा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर गलती से मैंने पानी डाल दिया था, इसको उठाते हैं और इस गड्ढे में डालते हैं। अब हम लोग हो से खेत बना देते हैं जहाँ पे हम लोग फार्मिंग करें। जल्दी जल्दी मैंने अपना बहुत बड़ा सा खेत बना दिया और ताकि ये खेत ना सूखे इसलिए मैंने जगह जगह पर गड्ढे करके पानी डाल दिया। और उसके बाद मैं घर से सीड्स भी लेके आ चुका हूँ जिसको मैं अभी यहाँ पर लगा देता हूँ। जितने मेरे पास सीड्स है मैं सबको लगा देता हूँ ताकि मेरा फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगे। तो फाइनली मैंने सारे सीड्स जो है प्लांट कर दिए और रात भी हो चुका है तो जल्दी से जाके मैं सो भी जाता हूँ। तो दोस्तों आज हमारे फार्मिंग का जो भी चैलेंज था या फिर जो भी गोल था आज हमने उसको कंप्लीट कर दिया। सो आज की इस वाली वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।